नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। केरल में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिसमें लगभग 370 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं लाखों लोग बेघर हो गए हैं, मगर केरल की सहायता के लिए देश भर से मदद की जा रही है। जरा सोचिए, अगर मदद करने वाले ही राहत सामग्री का गबन करने लगे तो क्या होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है केरला में। दरअसल वायनाड जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री पहुंचाई गई थी, उस राहत सामग्री की गबन की शिकायत सामने आने लगी। इस गबन की जानकारी केरल पुलिस को राहत कार्य में लगे एक उच्च अधिकारी ने दी। जिन दो अधिकारियों को राहत गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम एस थॉमस और एमपी दिनेश। दरअसल राहत शिविरों में रहने वाले लोगों ने इन दोनों को राहत सामग्री में हेरा फेरी करते हुए देखा था। जब शरण लिए लोगों ने इन दोनों से पूछताछ की तो अधिकारियों ने कहा कि ये सामग्री हम दूसरे शिविर में ले जा रहे हैं, लेकिन शरणार्थियों ने इसका विरोध किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन की तो राहत सामग्री गबन की बात सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये दोनों आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये राहत सामग्री से भरा हुआ ट्रक दूसरे शिविर पर ले जा रहे थे। हमने लोगों को लाख समझाया कि हम दूसरी जगह ये सामग्री शिविर में ले जा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस को बुला लिए। और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।